आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। शासन की योजना का लाभ नहीं मिलने के डर से लगवा रहे हैं लोग वैक्सीन। सिविल अस्पताल में लग रही है लोगों की लाइन। सनावत, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीन को प्राथमिकता दी गई, जिसके बाद पूर्व से ही अलग अलग अभियान चलाकर नागरिकों का वैक्सीनेशन हो, इस बात का लक्ष्य स्वास्थ्य विभाग को दिया गया था। लेकिन पिछले 2 माह से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पहली और द्वितीय डोज का वैक्सीन लगाने वाले लोगों की पड़ताल की गई, जिसमें अनेक लोग ऐसे निकले जिन्होंने ना तो पहला डोज लिया ना ही दूसरा। इसके बाद सरकार ने शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं लेने की बात की चर्चा। जब लोगों के बीच पहुंची तो बड़ी संख्या में महिला पुरुष अस्पताल आकर अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। शुक्रवार को नगर के सिविल अस्पताल के वैक्सीनेशन केंद्र पर बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं पहुंची। जब उनसे चर्चा की तो उन्होंने बताया कि शासन की योजना का लाभ नहीं मिलने की जानकारी मिली, उसके बाद मजदूरी छोड़कर आए हैं और वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। पूर्व में भी वैक्सीन लगवाने के लिए मजदूरी से छुट्टी लेना पड़ा, इसके बाद ही वैक्सीन लगवा सकते थे। वहीं दूसरा डोज लगवाने में देरी होने का कारण भी यही है कि मजदूरी के कारण आ नहीं पाए और वैक्सीन लग नहीं पाया। लेकिन शुक्रवार को सिविल अस्पताल में करीब 10 महिलाओं ने आकर वैक्सीनेशन करवाया। इसी तरह नगर के अन्य लोग भी वैक्सीन लगवाने के लिए सिविल अस्पताल में आ रहे हैं, जहां पर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए स्वास्थ्यकर्मी अपनी सेवा दे रहे हैं। अस्पताल में आगे भी शासन की योजना का लाभ आम नागरिकों को मिले, इसके लिए लगातार वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट।